ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विशेष चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा देश भारतवर्ष अनेक विविध जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो भगवान शिव को समर्पित है। आज की वीडियो में प्रकृति के अनमोल खजाने में से एक दुर्लभ और चमत्कारिक फूल के बारे में आपको बताएंगे, जिसका नाम है शिव कमल और नागलिंगम। जी हाँ दोस्तों, ये शिव कमल का पुष्प साक्षात शिव की प्रतिकृति के समान ही आपको दिखेगा। ये दिव्य पुष्प जिस वृक्ष पर पाया जाता है, उस वृक्ष का नाम है नागलिंगम। ये वृक्ष बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। ये दिव्य और चमत्कारिक वृक्ष दुर्लभ इसलिए है कि इस पर जो फूल लगते हैं, उसमें भगवान शिव साक्षात विराजमान होते हैं। इस पुष्प में जलधारी सहित शिवलिंग का दर्शन होता है। उसके ऊपर सहस्त्र फेन से शेषनाग मानो भगवान शिव को साया दे रहे हैं। ऐसा दिव्य दर्शन आपको एक पुष्प में हो रहा है। ये प्रकृति की शिव के प्रति अपनी भक्ति का ही एक प्रमाण है। ये पुष्प अपने आप में एक चमत्कार ही है। जिन लोगों ने यह पुष्प नहीं देखा, इनके लिए ये अविश्वसनीय, अद्भुत और अकल्पनीय है, लेकिन सच है। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शिव कमल, जिसे नागलिंगम, नागचंपा और कैलाशपति के नाम से भी जानते हैं, ये पुष्प प्रकृति की एक अद्भुत रचना है। इस अद्भुत और रहस्यमय पुष्प में भगवान शिव साक्षात विराजमान है। इस पुष्प में कमल दल के ऊपर भगवान शिव लिंग के रूप में विराजमान है और ऊपर शेषनाग सहस्त्र फेन से छाया दे रहे हैं। ये पुष्प अपने आप में एक प्रकृति का चमत्कार है। विज्ञान भी हैरान है। बड़े भाग्य वाले होते हैं जिनको भगवान शिव का इस रूप में साक्षात दर्शन होते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन मास और सोमवार के दिन इस दिव्य पुष्प को भगवान शिव को अर्पण करने से भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये दिव्य और दुर्लभ पुष्प जिस वृक्ष पर पाया जाता है, उस वृक्ष का हिंदी नाम शिव कमल और कैलाशपति है। गुजराती में नागचंपा, शिवलिंगी और कैलाशपति कहते हैं। तमिल भाषा में नागलिंगम और तेलुगु में नागमल्ली कहते हैं। इस वृक्ष का वैज्ञानिक और बॉटनिकल नाम है कुरुपिता ज्ञानचिस। अंग्रेजी में कैनन बॉल ट्री से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो फल होते हैं, ये तोप के गोले के समान गोल आकार वाले और सख्त होते हैं। ये वृक्ष बहुत ही ऊंचा और विशाल होता है। ये जमीन से करीब करीब 80 से 90 फीट तक ऊंचा बढ़ता है। इसके पत्र सप्तपर्णी के पत्र के समान दिखाई देते हैं। जून मास से ही इसके तने पर फूल लगने शुरू हो जाते हैं, जिसका आकार शिवलिंग के समान ही होता है और इस पर शेषनाग की आकृति भी होती है। इसी कारण शिव भक्तों में इस फूल का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। अशोक वृक्ष के समान ही इस वृक्ष पर भी तने पर पुष्प और फल लगते हैं। इस वृक्ष की जड़ें जमीन में बहुत दूर तक गहरी होती है। ये पवित्र और दिव्य वृक्ष भारत के अलावा भी ज़्यादातर दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रशिया में भी उत्पन्न होता है। दोस्तों आप इस वृक्ष को किस नाम से जानते हैं, ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जून मास और बरसात के मौसम में इस पर फूल लगने शुरू हो जाते हैं। आजकल इस पवित्र वृक्ष को पूरे भारतवर्ष में बालवाटिका, उद्यानों और शिव मंदिरों में बड़े पैमाने पर लगाया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तथा स्नेहीजनों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिव।